बच्चों लोग लास्ट क्लास हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़े थे, केमिकल बॉन्डिंग का जो पार्ट है, तो उसमें हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख चुके हैं, उसका एप्लीकेशन सीख चुके हैं हम लोग। आज फर्दर हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। तो आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ कि अरेंज अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या होगा, C2+2, C2+, C2, C2-, C2-2, इन सबको आप बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या होगा अरेंज करोगे। ठीक है, इन सबको आप बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, सेम काम करना आपको बॉन्ड, सॉरी, इन सबको आपको बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग सेम क्वेश्चन रहेगा, इन सारे को आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ, N2 4, N2+3, N2+2, N2+, ठीक है, N2-, N2-2, N2-3, N2-4, दो सीरीज है, दोनों सीरीज को बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, जल्दी से फास्ट आप लोग अरेंज करेंगे। बच्चों ध्यान सुनना, इसको हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले कार्बन वाला फैमिली लेते हैं। नहीं, पहले पहला क्वेश्चन था C2+2, C2+1, C2, C2- एंड C2-2। सिंपल टोटल टर्न काउंट कर ले, टोटल टर्न कितना दिख रहा है, C2+2 मुझे 10 दिखेगा, 11, 12, 13, 14। अब सारे इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या करोगे, आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है जी, तो 10 का होता है 1, 11 होता है 1.5, 12 होता है 2, 13 2.5 एंड 14 3। जितना बॉन्ड ज़्यादा होगा उतना ही क्या बॉन्ड ही छोटा होगा, आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे जो हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ हो जाएगा C2+2 का, ये हो जाएगा आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, हाईएस्ट होगा C2+2, C2+1, C2, C2-, C2-2। ये हुआ पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सुनना क्वेश्चन क्या था आपके पास, N2+4, N2+3, N2+N2, N2-, N2-2, N2-3 एंड N2-4। तो इनसे पहला काम क्या करो, चलो पहला काम करें टोटल टोन निकालना। N2+4 में कितना होगा, 10, 11, 12, 13, 14, N2+4 का 10 होगा, 11 होगा, यहाँ पे एक मिसिंग था, मिसिंग वाले देता हूँ N2, यहाँ पे +2 भी होगा, उसको ले जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे N2+2 का कितना होगा, 12, N2+ का 13, N2 का 14, N2- का कितना होगा, 15, 16, 17 एंड 18। इसमें ना इसमें एक और चीज आप ऐड कर लेना, एंटी बॉन्ड टोन पैदा कर लेना, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कुछ ना कुछ का सेम आने वाला है। तो 10 का बॉन्ड कितना होगा, 1 होगा, 1.5 होगा, 12 का 2 होगा, 13 का 2.5 होगा, 14 का 3 होगा। उसके बाद कहने के आपका एंटी बॉन्डिंग फिलअप का होता है, तो एंटी बॉन्डिंग फिलअप होगा तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है, तो इसका हो जाएगा 2.5, 2, 1.5, 1। और इसमें दिक्कत क्या होगा कि आप देखोगे कुछ जगह बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जा रहा है, जैसे N2+4 और N2-4 दोनों का बॉन्ड सेम आ जा रहा है, सिमिलरली N2+3 और N2-3 का बॉन्ड सेम आ जा रहा है।
सिमिलर देखोगे इन टू प्लस टू और इन टू माइनस टू का बॉन्ड क्या रहा, सेम आ जा रहा है। ठीक है सिमिलर ध्यान देना, एन टू प्लस और एन टू माइनस का बॉन्ड सेम आ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या होगा, तो ध्यान सुनना, पहले तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ में इनवर्सली रिलेशन था, ये तो वो ध्यान देना है। अगर बॉन्ड और सेम आ जाए तो क्या करेंगे, तो इफ बॉन्ड ऑर्डर आर सेम तब क्या करने हम बोले थे, तो हम बोले थे कि एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले। मैंने कहे टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जिसमें ज्यादा एंटी बॉन्डिंग होगा। लेकिन ये कब काम करेंगे, जब आपका बॉन्ड और सेम होगा तब काम करेंगे, जब बॉन्ड और सेम होगा तब काम करेंगे। टोटल एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बॉन्ड लेंथ, प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बॉन्ड लेंथ। ठीक है तो टोटल एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं जी। तो उसके लिए आपको ज्यादा दिक्कत हो तो बॉक्स ड्रॉ कर लो, अगर काउंटिंग नहीं समझ मारा तो छह बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं ना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोच सकते हैं। तो 10 में कितना एंटी बॉन्डिंग होगा जी, तो 10 में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं हम लोग। तो 10 में क्या होगा, दो देखो, दो यहाँ फिलअप करेंगे, दो यहाँ फिलअप करेंगे, ठीक है तो 10 हो जाएगा, यानी 10 में एंटी बॉन्डिंग कितना होगा, चार होगा। 10 में एंटी बॉन्डिंग कितना होगा, चार होगा। ठीक है सिमिलरली अगर बात करते हैं 11 में, तो 11 में भी चार ही रहेगा। ठीक है 11 में चार ही रहेगा। 12 का बात करते हैं तो 12 में भी चार ही रहेगा, 13 में भी चार ही रहेगा, इवन 14 में भी चार ही रहेगा। 15 में से एंटी बॉन्डिंग बनना स्टार्ट करेगा, तो 15 में कितना होगा, पाँच होगा। 16 में छः होगा, 17 में सात होगा, 18 में एट होगा। तो ये हो गया एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे छोटा है, एन टू प्लस फोर एन माइनस फोर का बॉन्ड ऑर्डर क्या, वन है, तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा। उसमें भी एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास है, तो एन टू माइनस फोर में है। तो आप क्या करोगे, बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर में सबसे आगे कौन होगा, सबसे आगे होगा एन टू माइनस फोर, फिर होगा एन टू प्लस फोर। सिमिलरली क्या होगा, फिर होगा एन टू प्लस, एन टू माइनस थ्री, फिर होगा एन टू प्लस थ्री, फिर होगा एन टू माइनस टू, फिर होगा एन टू प्लस टू, फिर होगा एन टू माइनस वन, फिर होगा एन टू प्लस वन, और लास्ट में सबसे छोटा होगा एन टू का। सबसे छोटा किसका होगा, एन टू का। ठीक है इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना था। चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो याद है ना, आयनिक कंपाउंड का कभी भी बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड, और आयनिक कंपाउंड में बेसिकली क्या होता है, आयंस के बीच में होता है। तो आयनिक कंपाउंड में जब भी हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कोवेलेंट पार्ट को आपको निकालना पड़ेगा। तो आयनिक कंपाउंड का दो पार्ट होता है, एक होता है आयनिक पार्ट, आयनिक पार्ट के लिए बॉन्ड ऑर्डर डिफाइंड नहीं होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है तो आयनिक कंपाउंड का जो कोवेलेंट पार्ट होगा, कोवेलेंट पार्ट अगर होगा तो उसका उसमें बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, बात करते हैं हम सोडियम कार्बोनेट का, बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट में सोडियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड आयनिक है, तो इसमें तो कोई बॉन्ड होगा नहीं। बट आप देखोगे अगर आप बात करो कार्बोनेट आयन का, तो कार्बोनेट आयन के अंदर इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका बॉन्ड आप निकाल सकते हो। तो किस कैटेगरी का पार्ट रहेगा, तो पार्ट रहेगा आपका रेजोनेंस वाला केस है। तो रेजोनेंस वाला केस हम निकालना सीख चुके हैं। तो कार्बन आयन का बॉन्ड कितना होता है, सीओ का, तो सीओ का बॉन्ड होता है सीओ, कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा होता है 1.33। ठीक है तो इसको आप या तो निकाल सकते हो कि इसमें तीन रेजोनेंस है और चार बॉन्ड है, तो 4/3 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। या फिर अगर आप देखते हो कि सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड का जो प्रोबेबिलिटी है उसे चेक करो, तो भी आंसर निकल के आ जाएगा 4/3। ठीक है तो ये ऑलरेडी हम निकालना सीख चुके हैं। ठीक है तो ध्यान देना, इसमें सिस्टम देखना, तो सिस्टम में चूंकि यहाँ पे कहीं भी अनपेल्ड रूम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये डायमेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डायमेटिक हो जाएगा। ठीक है
और बात करते हैं हम लोग N2O2 का, N2O2 में क्या सोडियम और O2 माइनस टू है, तो इसका बॉन्ड आयनिक बॉन्ड का कोई बॉन्डर तो होता नहीं है, लेकिन O2 माइनस टू में आप क्या करना, आप MOT अप्लाई कर दो, MOT अप्लाई करो तो इसमें कितना होगा, टोटल टर्म कितना होता है, 18 होता है, तो 18 में क्या होता है, सिस्टम क्या होगा, सिस्टम का बॉन्ड होता है वन, और सिस्टम होगा डायमेटिक, सिस्टम होगा डायमेटिक। सिमिलरली बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड करो, सोडियम ऑक्साइड में ध्यान देना सोडियम और ऑक्साइड के बीच का बॉन्ड आयनिक होता है, तो वहां पे बॉन्ड और डिफाइन नहीं होगा, इवन जो ऑक्साइड आयन है उसमें सिंगल एटम है, तो सिंगल एटम में तो बॉन्ड बनेगा नहीं, तो यहाँ भी बॉन्ड और डिफाइन नहीं होगा, यानी सोडियम ऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसमें कहीं भी अनायन में भी या कहीं भी दो एटम इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपके आयन में दो एटम इन्वॉल्व नहीं होगा तो बॉन्ड बनेगा नहीं, तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए इसमें बोल रहे हैं कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन होगा ही नहीं। अगला है फाइंड बॉन्ड ऑर्डर एनमैटिक कैरेक्टर, एनमैटिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो पहला बोल रहे हैं KNO2, KNO2 में ना ना K को हटा दो तो बचा क्या, बचा NO2 माइनस, अब NO2 माइनस करके तो नीचे को लिखा हुआ है, अब इसमें रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, इसका बॉन्ड हो जाएगा 3/2 और सिस्टम हो जाएगा डायमेटिक, सिस्टम क्या हो जाएगा डायमेटिक, क्योंकि NO2 माइनस में कहीं भी अनपेल्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, सिमिलरली आपका सोडियम कार्बोनेट ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं, ठीक है, सोडियम कार्बन होता है क्या है, सोडियम एंड कार्बन का बॉन्ड आयनिक है, और कार्बन का जो पार्ट है उसमें का सी और ओ का बॉन्ड ऑर्डर निकल सकता है, ठीक है, ये ध्यान देना। सिमिलरली KO2 में क्या करना, K को हटा दो, K को निकाल दो, K को निकालो तो बचेगा क्या, बचेगा आपको O2 माइनस, तो ध्यान देना O2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होगा, 17 होता है, ठीक है, टोटल 17 होगा, तो इसका बॉन्ड हो जाएगा 1.5, और चूंकि ऑल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ऑड होगा इसमें, तो हम लोग क्या समझे हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऑड होता है तो सिस्टम क्या होता है, पारा मैग्नेटिक, ठीक, NO2 O2 में सोडियम हटा दिए तो बचा क्या, बचा O2 माइनस 2, बचा इस O2 माइनस 2 में इलेक्ट्रॉन 18 होता होगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, डायमेटिक हो जाएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, डायमेटिक हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करता हूँ BO2 में, तो BO2 में बैरियम को निकाल दे तो बचा क्या, O2 माइनस 2, इन टोटल 18, बॉन्ड कितना हो जाएगा वन, सिस्टम डायमेटिक, सिस्टम डायमेटिक। अगर बात करें हम लोग LO2, LO2 से अल्मोनियम निकाल दे तो बचा क्या, O2 माइनस 3, टोटल 19, बॉन्ड 0.5, सिस्टम इज पारामैटिक, ये मतलब पारामैटिक, ठीक है, ये मतलब पारामैटिक। अगर बोलते हैं LO2+ रहेगा तो क्या करेंगे, तो LO2+ में अल्मोनियम निकालोगे तो क्या होगा, तो अल्मोनियम निकाल ले, ठीक है, तो आपके पास चार्ज होगा O2 माइनस 2, सिस्टम क्या होगा, ठीक है, LO2+, ठीक है, यानी O2 माइनस 2 रहेगा तो 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, बॉन्ड कितना, वन हो जाएगा, सिस्टम डायमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना एक क्वेश्चन दिया हुआ लास्ट में, जिसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, LO2 माइनस, इसको प्लस नहीं, इसको माइनस कर देना, तो LO2 माइनस में क्या होता है कि एल्युमिनियम जो प्लस निकालोगे तो O2 पे चार्ज होगा -4, O2 पे चार्ज होगा -4 होता है तो होता क्या है कि टोटल कितना होगा, 20 होगा, और 20 में बॉन्ड क्या होता है, जीरो होता है, तो बॉन्ड जीरो का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, यानी इसमें हम प्राइमरी डायमेटिक कमेंट ही नहीं कर पाएंगे, प्राइमरी डायमेटिक कब कमेंट करते हैं, जब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो प्राइमरी डायमेटिक बोलना ही नहीं है, ठीक है, ये ध्यान सुनना। चलिए बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड का, कैल्शियम कार्बाइड से कार्बन को बाहर निकाल दे तो बचा क्या, C2 माइनस 2, बचा C2 माइनस 2, तो C2 माइनस 2 में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितना होगा जी, 14 होगा, 14 मतलब बॉन्ड कितना होगा, 3 होगा, सिस्टम क्या होगा, सिस्टम डायमेटिक, सिस्टम डायमेटिक होगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। ये रहा ऑल अबाउट आयनिक कंपाउंड में कैसे वो वर्क करना है, तो ध्यान सुनना, क्योंकि कभी कभी आयनिक कंपाउंड दे देगा तो आयनिक कंपाउंड में आपको प्रोसेस कैसे करना वो समझाना चाहिए, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, बच्चे लोग हम लोग जो पढ़े थे, तो हम लोग ये पढ़े थे कि MOT हम लोग अप्लाई करते हैं किसके लिए, तो हम बताए थे आपको कि MOT जनरल हम सीखते हैं कि मॉलिक्यूल होना चाहिए आपका A2 टाइप का,
A2 टाइप के मॉलिक्यूल के लिए हम लोग सीखते हैं बॉन्ड निकालना, ठीक है। इसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो उसके लिए हम लोग बॉन्ड निकालना सीखे थे, उसके लिए हम लोग बॉन्ड निकालना सीखे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, कभी कभी हमारे पास हेटरोटोमिक मॉलिक्यूल्स रहेगा, हेटरोटोमिक्स मॉलिक्यूल रहेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग एमओटी को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन एक्सटेंड एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू हेटरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। यानी अगर मॉलिक्यूल में टाइप ए बी रहेगा ना, ए बी टाइप का, तो भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बस होते टोटल टर्म जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हेटरोटोमिक मॉलिक्यूल रहेगा तो भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट सम एक्सेप्शन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एंड मैटिक मोमेंट एग्जिस्ट। इसको एक्सटेंड हम कर देंगे बट एक्सेप्शन आपके मैटिक मोमेंट एंड बॉर्डर में होने का चांस है। कहाँ एक्सेप्शन होगा वो भी मैं बता दूंगा, बट जनरली क्या होता है हेटरोटोमिक में हम लोग सेम थ्योरी को अप्लाई कर देते हैं, कहीं कहीं एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान देना, नीचे कुछ हेटरोटोमिक मॉलिक्यूल्स लिया हुआ है, जैसे BN है, BN मतलब बोरोन, N मतलब नाइट्रोजन। तो BN का देखोगे तो BN सिस्टम का टोटल टर्म कितना होगा, 12 होगा। बॉन्ड कितना होगा, 2 होगा, 12 × 2। एंड सिस्टम क्या होगा, सिस्टम होगा डायमेट्रिक, सिस्टम क्या होगा डायमेट्रिक। हम बात करते हैं CN का, CN ज्यादा ना, CN का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, टोटल 13 होगा, कितना होगा 13 होगा। और बॉन्ड कितना होगा, बॉन्ड 2.5 होगा, ठीक है। बॉन्ड कितना होगा, 2.5 होगा। सिस्टम क्या होगा, पैरामेटिक होगा। CN माइनस, टोटल 14, बॉन्ड 3, सिस्टम डायमेट्रिक। तो अभी तक हम लोग जो सीखे सारा सारा चीज सेम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा हम लोग को। अब बात करते हैं NO, तो NO का 15 इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल 15, बॉन्ड 2.5, सिस्टम पैरामेटिक, सिस्टम पैरामेटिक। NO माइनस 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड 2, सिस्टम पैरामेटिक। पढ़े ना, डोल्टन जब भी इवेन होता है तो उसमें 10-16 तो ऐसा नंबर होता है जिसमें सिस्टम क्या होता है, पैरामेटिक होता है, सिस्टम क्या होता है, पैरामेटिक होता है। एनो प्लस में बात करते हैं, डोल्टन 14 हो जाएगा, बॉन्ड 3 हो जाएगा, सिस्टम डायमेटिक हो जाएगा, ठीक है। बी एन माइनस में क्या होगा, डोल्टन 13, 2.5 एंड पैरामेटिक, को दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम होता है सीओ में, सीओ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रॉब्लम का यही पैराइज होता है बेसिकली। तो सीओ में टोल्ट्रॉन 14 होगा, बॉन्ड 3 होगा, एंड सिस्टम क्या होगा, डायमेटिक होगा, सिस्टम क्या होगा, डायमेटिक होगा, ठीक है, सिस्टम क्या होगा, डायमेटिक होगा, ठीक। अब प्रॉब्लम होता है सीओ में नहीं, प्रॉब्लम सीओ तो सीओ में कोई दिक्कत नहीं है, सीओ में एमओटी अप्लाई करके आंसर सही आएगा, बट होता है कि जैसे हम सीओ प्लस करेंगे, तो सीओ प्लस करेंगे तो हो गया इलेक्ट्रॉन 13, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, बॉन्ड होना चाहिए 13 का 2.5 होना चाहिए था, बट 2.5 नहीं हो के बॉन्ड एक्चुअली होता है 3.5, यहाँ पे आना स्टार्ट होता है। तो इसका लॉजिक क्या हम लोग बाद में सीखेंगे, बट अभी आपको याद कर लेना है कि CO प्लस का बॉन्ड 2.5 नहीं होगा, क्या होगा, 3.5 होगा, ठीक है। तो 3.5 ध्यान देना, सिस्टम पैरामेटिक होगा। सिमिलरली अगर बात करते हम CO प्लस 2 का, तो CO प्लस 2 का इलेक्ट्रॉन 12 हो गया, बट इसका बॉन्ड 2 होना चाहिए था, बट 2 नहीं होता है, होता है 4। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो पॉजिटिव आयन है उसमें एक्सेप्शन यानी एमओटी का रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं होता, उसका रीजन हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। बट अभी आपको याद करना है कि CO प्लस का बॉन्ड क्या 3.5 होता है, CO प्लस 2 का होता है 4, एंड CO प्लस 2 क्या होता है, डायमेटिक होता है, क्या होता है, डायमेटिक होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बाकी CO माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, 15 हो गया, 2.5 हो गया, सही है, पैरामेटिक हो गया, सही है, ठीक है। CO माइनस 2 भी क्या है, इलेक्ट्रॉन 16 होगा, बॉन्ड 2 होगा एंड पैरामेटिक हो जाएगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत था कहाँ पे, तो दिक्कत है CO प्लस एंड CO प्लस 2 में। तो ये दोनों को आपको याद करना, बाई हार्ट कर लेना है, इन दोनों को आपको बाई हार्ट कर लेना है, ठीक है। इसमें इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में एक है जिसको आपको सॉल्व करना है। आपको यहाँ दिया हुआ है, अरेंज अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ ऑफ एन एंड ओ। NO बॉन्ड लेंथ में इसको अरेंज करना है, ठीक है। किसको इसको अरेंज करना है, तो NO2 प्लस NO, NO प्लस को, ठीक है।
तो फटाफट बच्चों लोग उसको अरेंज करोगे बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग, किसके बॉन्ड लेंथ में, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ एन एन ओ, एन ओ बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है, ठीक है। फास्ट सॉल्व करेंगे इसको, बच्चों ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन में आपको बॉन्ड निकालना है, बट बॉन्ड जो होगा अलग अलग कैटेगरी का होगा। जैसे मान लेते हैं कि इसमें एनओ का बॉन्ड निकालो पाने, तो एनओ का बॉन्ड यहाँ पे कैसे निकालो, तो इन दोनों में आप एमओडी अप्लाई करो, एनओ में एमओडी अप्लाई करो, तो एनओ में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 15 होता है, तो इसका बॉन्ड हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। एनओ प्लस का भी एमओडी यूज करेंगे क्योंकि डायड में मॉलिक्यूल है, तो यहाँ भी क्या होगा एनओ प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब एनओ टू माइनस जो है उसमें हम एमओडी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इवन एनओ टू प्लस में एमओडी का अप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब इन सब मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा आइटम है, यानी पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल्स है। तो एनओ टू माइनस जो होता है उसमें रेजोनेंस होता है, तो उसमें रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करके हम बॉन्ड निकाल लेंगे, यहाँ का बॉन्ड कितना हो जाएगा 3.3/2 हो जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एनओ टू प्लस में आपको फिगर बना लें, तो फिगर बना के दिखाया कि एनओ रो में डबल बॉन्डेड ओ है, यानी इसका बॉन्ड कितना हो जाएगा, इसका बॉन्ड हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका बॉन्ड भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड जब 2 हो जाएगा तो आप सारे का बॉन्ड निकाल लिए, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसका हाइएस्ट होगा, तो एनओ टू माइनस में होगा, ठीक है, एनओ टू माइनस में होगा, फिर एनओ टू प्लस में होगा, फिर होगा एनओ में, फिर होगा एनओ प्लस में, ठीक है। ठीक है, ध्यान देना, आपको ध्यान देना है, ध्यान बच लो। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि एनओ टू माइनस और एनओ टू में बॉन्ड लेंथ को कैसे अरेंज करेंगे, तो ध्यान देना, क्योंकि यहाँ देखोगे एनओ टू माइनस में एन के ऊपर क्या है, एन के ऊपर एक लोन पेयर है, ठीक है, और एनओ टू में क्या एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का बॉन्ड 1.5 आ रहा है। लेकिन ध्यान देना, आप एनओ का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रिपल्सन करेगा बॉन्ड को, क्योंकि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, और ऊपर में जो एनओ टू माइनस में एन का जो लोन पेयर है वो भी क्या होगा, बॉन्ड को रिपल करेगा। ज्यादा रिपल कौन करेगा, जो ऊपर में चूंकि एनओ टू माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां से रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ से रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए बॉन्ड ज्यादा लंबा हो जाएगा एनओ टू माइनस का। तो बॉन्ड लेंथ में कंपेयर करेंगे हम लोग एनओ टू एंड एनओ टू माइनस को, तो एनओ टू का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ज्यादा क्या होगा, लंबा हो जाएगा, यानी उसका लेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि एनओ टू माइनस जो होता है उस पर 2 लोन पेयर है सेंट्रल डम में, जो ज्यादा रिपल करके बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, ये ध्यान देना। और चूंकि एनओ टू में क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो रिपल्सन थोड़ा कम रहेगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ उतना इंक्रीज नहीं होगा जितना इंक्रीज होगा एनओ टू माइनस में, ठीक है। इसी सब चलो, अपने जितना एमओडी का एप्लीकेशन खत्म होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हम चलेंगे कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे, तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्टार्ट करेंगे, यानी जो कैसे एनर्जी कैसे कंबाइन होता है, ओवरलैपिंग कैसे होता है, ये सब चीज सीखेंगे। तो आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ना जेई मेन और नीट का, अभी तक जो हम सीखे उसे सॉल्व हो जाएगा, बट कुछ क्वेश्चन के लिए हम लोग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का हमको जरूरत पड़ेगा, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है।